सज्जनलाल शर्मा आज सीकर दौरे पर हैं। जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए सांगलिया धूनी पहुंचेंगे सीएम। और देखिए, खीवा दास जी महाराज की 23वीं बरसी कार्यक्रम में लेंगे भाग। पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज से लेंगे आशीर्वाद। सीएम बनने के बाद दूसरी बार सांगलिया धूनी जाएंगे सीएम। और देखिए, सांगलिया धूनी से वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम है सीएम का, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, सीकर में आज सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा और आज सीकर के सांगलिया धूनी जाने का सीएम का कार्यक्रम। सांगलिया धूनी पहुंचकर यहां पर खीवदास जी महाराज की 23वीं वर्षी में शामिल होंगे और संत जनों का आशीर्वाद लेंगे। पीठाधीश्वर ओम दास जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे सीएम। और देखिए, सीएम का सांगलिया धूनी से वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। और सीएम बनने के बाद आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा दूसरी बार सांगलिया धूनी जा रहे हैं। और देखिए, सांगलिया धूनी से फिर वापस जयपुर आने का कार्यक्रम है, क्योंकि सांगलिया धूनी में आज खीवादास जी महाराज की 23वीं बरसी है। तो ऐसे में पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज से आशीर्वाद लेने सीएम सीकर पहुंचेंगे। और देखिए, हमारे संवाददाता एनआर मनोहर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनोहर, आज सांगलिया धूनी सीएम का पहुंचने का कार्यक्रम है, क्या कुछ वहां पे सीएम के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और अभी फिलहाल सीएम के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री 12 बजे सांगलिया धूनी पहुंचने का कार्यक्रम है। 12:05 पर वो पहुंच जाएंगे। लगभग 40 मिनट तक इनके धूनी पर रुकने का कार्यक्रम है। यहाँ पर जो पीठाधीश्वर है वर्तमान में ओमदास जी महाराज के आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दूं कि सांगलिया धूनी खीवादास जी महाराज जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में या पूरे इस शेखावाटी क्षेत्र में काफी उनका नाम है। सीएम बनने के बाद ये उनका दूसरा सांगलिया धूनी पर दौरा है। आपको ये भी बता दूं कि सांगलिया धूनी का इतिहास लगभग 350 साल पुराना है। यहाँ पर खीवादास जी महाराज है, उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया है। यहाँ पीजी स्कूल पीजी कॉलेज जो है वो इन्हीं की देन है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आज इनके कई सामाजिक राजनीतिक महत्व भी माना जाता है इस भूमि का। तो लंबे समय से यहाँ पर है, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी है उनका कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम के थे तो अलग अलग लोगों से भी मिलेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। जी, शुक्रिया आपका मनोहर तमाम जानकारी के लिए।